गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे इस बार्न आउल के रिहैबिलिटेशन का तीसरा दिन है। हालत पहले से थोड़ी सही होने लगी है। अब ये वापस आँख खोल के इस पिंजरे को देखता है कि मैं कहाँ क्या हूँ, तो अच्छी बात यही है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो कोशिश करेंगे कि आज भी इसको एक छोटा सा टुकड़ा खिला दें ताकि साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इसके मुंह का घाव आखिर कैसा है। इसके मुंह का घाव पहले से सही होने लगा है, सूख गया है, पर मैं इसकी जब चोंच खोल रहा हूँ तब भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही सूखी हुई है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम इसको दिन में 2-3 बार पानी पिला रहे हैं। गुड फूड फॉर यू बॉय। आज हमने इसकी खाने की थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ाई है क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आज इसके खाने की क्वांटिटी भी हमने थोड़ी बढ़ाई है। आज बच्चे इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी पिला देंगे ताकि खाना ध्यान से नीचे उतर जाए। इंश्योर करेंगे कि इसका खाना जो हमने इसको खिलाया है वो नीचे उतर जाए। जी हाँ, मुझे फील हो रहा है इसका खाना इसके। पानी किसी जग की तरह इसके गले में भरा हुआ है, इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये पानी पूरा पी जाए। इसका पोटा पूरी तरीके से खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है। चलो बोल, कहाँ हो बोल, कहाँ मत बोल, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा पानी निकाल देगा। ये देखिए, गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत करते हुए आज मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। हमारा प्यारा बार्न आउल जिसको मैं बहुत टाइम से बचाने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं बच पाया। ये इसको आज हमारे पास लगभग 6ठा दिन था। हम इसको फोर्स फीड करा रहे थे, काफ़ी खिलाने और पिलाने की कोशिश कर रहे थे, कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरा दिल हर बार कहता था कि शायद मैं ना बचे। थोड़ी देर पहले भी आया था तो ये ठीक था। इसकी आँखें अब भी खुली हुई हैं, ज़रा देखिए, पर अफसोस हम इसे बचा ना सके। वाइल्ड लाइफ को हर बार बचाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ ये थी कि जब हमें पता चला था कि इसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, किसी गाड़ी पर कार में आके सीधे भिड़ गया था, तो मुझे लगता है कि इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके सर में दिमाग में कहीं चोट थी। ये थोड़ा सा रिकवर करने लगा था मगर ये अपना बैलेंस नहीं बना पाता था, एक ही जगह काफ़ी खड़ा रहता था, डिसबैलेंस हिलता रहता था। लगता था कि शायद ये ना बचे, पर ये ऊपर वाले का क्या कहूँ। जरा इसका पैटर्न देखिए, कितना खूबसूरत लुक था, देखिए कितना खूबसूरत रंग है, पैचेस हैं इस पे, बट अफसोस हम इसे नहीं बचा पाए। समय है कि हम इसको मिट्टी के हवाले करते हैं। आपके साथ फिर बात होगी।